Let us do some conversions. These conversions are very, very important. And in 2014, this conversion was there. Ethanol into but-1-ene. First conversion hai. Ethanol to but-1-ene. First of all, write down the structure of these two. Dono ka structure likhe fatafat. Kari mere se conversion. Ethanol to but-1-ene. इथेनॉल का फॉर्मूला होता है CH3CH2OH और ब्यूट वन आयन का होता है आयन है तो ये वाला हो जाएगा दिस इज ब्यूट वन आयन यही है इस स्ट्रक्चर को ध्यान से देखिए दोनों को और कंपेयर करिए मुझे क्या क्या चाहिए रिक्वायरमेंट क्या है आपकी रिक्वायरमेंट क्या है आपकी ध्यान देखो मैं अगर आपकी जगह होती कैसे अज्यूम करती दो कार्बन आपने जो करना था कर दिया मेरे को दो कार्बन ये कितने टोटल चार कार्बन कार्बन को डबल करना है दो कार्बन सीधा बढ़ानी है दो कार्बन बढ़ानी है कार्बन बढ़ाने के कौन कौन से मेथड होते हैं तो वुड्स रिएक्शन होता है दूसरा होता है साइनाइड वाला होता तो है लेकिन साइनाइड के अंदर सिर्फ एक ही कार्बन बढ़ती है मुझे कितनी बढ़ानी है दो बढ़ानी है ना साइनाइड वाला होगा ना वुड्स रिएक्शन होगा ओके अब क्या करना है अब मुझे क्या करूं ट्रिपल बॉन्ड भी चाहिए दो कार्बन भी चाहिए दो रिक्वायरमेंट है एक रिएक्शन है मैं करके दिखाती हूं सबसे पहले आपने इसमें डाला PCl5 PCl5 से OH किससे रिप्लेस हो जाएगा CL ठीक है अब मेरे पास एक ऐसी जादू की छड़ी है एक ऐसा रिएक्शन है वो डायरेक्ट बन जाएगा सोडियम एसिटाइलाइड यूज करूंगी मैं NaCl ट्रिपल बॉन्ड CH रिएजेंट होता है जिससे दो कार्बन एक डबल बॉन्ड साथ चलता है समझ में आ गई दो मेरे पास थे दो और चाहिए थे मैंने दो ही ले लिए अगर मुझे पांच चाहिए होते दो इसमें है इसमें मैं यहां पर क्या ले लेती एक सीएसथ्री और ले लेती एक और फालतू चाहिए एक और ले लेती मतलब जितने आपको चाहिए उतने आप क्या ले सकते हो इसमें कार्बन यहां से क्या हुआ NaCl बार बन गया बना के नहीं बना देख लो बाबा नेक्स्ट कन्वर्जन है टॉल्युएंट टू बेंजाइल अल्कोहल वर्ल्ड की करवा रही सारी कन्वर्जन नेक्स्ट इज टॉल्युएंट टू बेंजाइल अल्कोहल टॉल्युएंट ये होती है दिस इज टॉल्युएंट स्ट्रक्चर अगर बहुत जरूरी है वो प्रैक्टिस से आएगा और लिख लिख कर आएगा CH2OH फिर ध्यान से देखना पड़ेगा भाई बेंजीन के ऊपर CH3 था अब मुझे क्या करना है अगर मैं ये देखो अगर इसका CH2 ऐसे लिख दूं कोई फर्क पड़ेगा इसको लेकिन हमें समझ में आ जाएगा क्या कि ये H हटाकर मुझे क्या लाना है OH इसका मतलब मुझे जाना चाहिए अल्कोहल की प्रिपरेशन में कि भाई किस किस रिएक्शन से OH आया था कि नहीं कुछ याद है अल्कोहल में OH हम कैसे कैसे लेकर आए थे नहीं याद किसी को भी याद नहीं है पहले मैं इसका देखो डायरेक्ट एक्स से मतलब तो मुश्किल है पहले मैं इसका हैलोजन लाऊंगी क्या लाऊंगी CL2 क्लोरीनेशन कर दो क्या होएगा CH2Cl बन गया अब इससे ये बनाना तो बहुत आसान है दो स्टेप की कन्वर्जन है देख के यू डरते रहते हो है कुछ भी नहीं कन्वर्जन में कुछ भी नहीं है कन्वर्जन में ये दोनों आपके हरियर पॉट में कन्वर्जन आई हुई थी नेक्स्ट देखिए बेंजाइल अल्कोहल टू फिनाइल इथेनोइक एसिड ये आई हुई 2015 में नेक्स्ट कन्वर्जन बेंजाइल अल्कोहल टू फिनाइल इथेनोइक एसिड
बेंजाइल अल्कोहल, बेंजाइल क्लोराइड कितने बार आ चुका है बेंजीन के ऊपर, CH2 बनाया। अब इथेनोइक एसिड मैंने आपको इससे पहले लेक्चर कितना सिखाया था, फिनाइल इथेनोइक एसिड, पेरेंट के एसिड नाम इसमें पेरेंट फिनाइल सब्स्टिट्यूएंट, पेरेंट का नाम बाद में आता है, पीछे से शुरू करता करने के लिए। पहले इथेनोइक एसिड का स्ट्रक्चर बनाओ, ये इथेनोइक एसिड है, यही है इथेनोइक एसिड, उससे पहले फिनाइल लग रहा है, ये लगाया एसिड आगे में लगा दिया बन गया फिनाइल इथेनोइक एसिड, कुछ भी नहीं है। अब ध्यान से देखो, बैठ जाओ, CH2OH, इस OH का एक तरह से यही तो बनाना है, यही तो बनाना है CH2OH का, CH2COOH का एसिड कैसे बनेगा, बाय ऑक्सीडेशन, अल्कोहल की ऑक्सीडेशन, एल्डिहाइड में एल्डिहाइड की ऑक्सीडेशन, एसिड सीधा सीधा है तो क्या नहीं। और एक तरीका इसका ये भी है, साइनाइड बना लो, साइनाइड की हाइड्रोलिसिस कर दो, वो भी तरीका है इसका, क्या नहीं है। तो साइनाइड बना लो, उससे भी बना देंगे, लेकिन साइनाइड के लिए साइनाइड किसके साथ रिएक्शन करता है, अल्काइल हैलाइड के साथ, किसके साथ करता है, मेरे पास यहाँ पर क्या है अल्कोहल, पहले क्या करूं हैलाइड बनाऊं, फिर साइनाइड बनाऊं, और फिर तो पहले बनाएंगे क्लोरीनेशन कर दें, दूसरे नंबर पे KCN डाल दें, सीधा क्या बना दें CH2CN, सीधा हाइड्रोलिसिस H2O, ये ग्रुप ऑक्सीडाइज इनटू सिल्वर है, ये आपने करके रखा है, अच्छा कर रखा नहीं कर रखा बताइए। नेक्स्ट कन्वर्जन है इथेनॉल टू इथेनॉल टू एसिटिक एसिड, इथेनॉल टू एसिटिक एसिड, अब आप खुद करने की कोशिश करो, ये करो इथेनॉल टू एसिटिक एसिड, ट्राई करिए, कैसे लिखो फटाफट से, सबसे लिखो इथेनॉल का स्ट्रक्चर CH3CH2OH, एसिटिक एसिड का स्ट्रक्चर CH3COOH, कंपेयर करो CH3CH3 कॉमन, दिस ग्रुप विल ऑक्सीडाइज इनटू बाय ऑक्सीडेशन, सीधा कर ऑक्सीडेशन, डाइक्रोमेट से कर दो K2Cr2O7, आगे समझ में कि नहीं आ गई सभी को, नेक्स्ट चलिए इथर, इथर करने से पहले क्वेश्चन और दिखाई दिया है मुझे, उसको करते हैं, बाकी आप खुद करेंगे कैसे करने दे। नेम द रिएजेंट यूज इन द फॉलोइंग रिएक्शन, क्वेश्चन है नेम द रिएजेंट यूज इन द फॉलोइंग रिएक्शन, नंबर वन ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल टू कार्बोक्सिलिक एसिड, ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल टू कार्बोक्सिलिक एसिड के भाई जब रिएक्शन हुआ होगा तो उसमें मैंने कौन सा रिएजेंट लिया, फिर वही रिएक्शन लिखो, बनाओ उसकी रिएक्शन बनाओ, करो ऑक्सीडेशन प्राइमरी अल्कोहल से कार्बोक्सिलिक एसिड बनाओ, अभी तो करा है एक मिनट भी नहीं हुआ, हाँ जी तो ये बनाया COOH, तो इसका रीजन कौन सा लिया K2Cr2O7, एक नंबर एक शब्द लिखने का एक नंबर। नेक्स्ट है ब्रोमिनेशन ऑफ फिनॉल,
ब्रोमिनेशन ऑफ फिनोल टू ब्रोमिनेशन ऑफ फिनोल टू 2,4-6-triBromoPhenol. इसके लिए मुझे कौन सा रिएजेंट चाहिए? स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा. याद नहीं कर सकते हम इसको जब तक इसकी रिएक्शन ना बना रहे. फिनोल की ब्रोमिनेशन करनी है और तीन जगह ब्रोमीन मिला मुझे 2,4-6 पर लाइक दिस. तीन जगह सब्स्टिट्यूशन का मतलब ट्राई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट. ब्रोमिनेशन हो रही है इन वाटर. किसमें हो रही है ब्रोमिनेशन? वाटर. अगर ये ब्रोमिनेशन पानी की जगह कार्बन डाइसल्फाइड में हो, नॉन पोलर सॉल्वेंट में हो, नॉन पोलर सॉल्वेंट में हो तो आपको ट्राई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट नहीं मिलेंगे. दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द कंडीशन. ये मिलेगा ना कि वो मिलेगा. मैंने आपको कंडीशन की इंपॉर्टेंस बताई इस सेक्शन के थ्रू. नेक्स्ट देखिए, ब्यूटेन टू ऑन से